हेलो हाँ हेलो। बताइए बताइए, सवाल बताइए। और सर ना, मेरे पास पतंजलि फूड्स के 100 शेयर हैं 1400 के भाव में, और मैं 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। हाँ ओके गौरव, जी, पतंजलि फूड तो कैसा लग रहा है? 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, हालांकि अभी इनको नुकसान है। देखिए, पतंजलि फूड्स की अगर बात की जाए तो एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हमको देखने मिला था। एक 2 साल का ट्रायंगल है, ब्रेकआउट देखने मिला, ब्रेकआउट का रीटेस्ट है। यहाँ पे अगर एक बार इसकी क्लोजिंग, अगर यहाँ से अगर 1080 के नीचे क्लोजिंग आती है तो इसके स्ट्रक्चर फिर बिगड़ जाएंगे। स्टॉक जो है एक बार रुक के 950 से 1000 के लेवल आ सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा, लॉन्ग टर्म में चार्ट्स खराब है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आपको 4-6 महीने का नजरिया है तो क्रिटिकल लेवल्स, क्रिटिकल सपोर्ट्स है वो 1080 के, उसके नीचे का जगह आपको एक बार रिव्यू करना चाहिए कि मुझे होल्ड करना है नहीं करना है, क्योंकि फेल्ड ब्रेकआउट्स काफी दिक्कत दे देते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ब्रेकआउट के आसपास में झूल रहा है, 1080 इनके लिए रिव्यू लेवल होगा। ओके, तो पतंजलि फूड्स पे ये राय निकल के आ रही है। अब चलते हैं चंबा, हिमाचल प्रदेश, राकेश कुमार जी मेरे साथ है। राकेश जी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही सब अरे राकेश भाई, ये नमस्कार। मैं बताओ कि आज सुबह किसी ने एक ट्वीट पे लिखा था कि वहाँ माइनस में टेम्परेचर चला, क्या बहुत ज़्यादा है? कड़क ठंड है क्या? हाँ क्या टेम्परेचर कितना है आपके यहाँ चंबा का? जी, वहाँ कितना तापमान है? वहां तो पता नहीं, बहुत ठंड हो रही है, ठंड बहुत है। ठंड बहुत है, बताइए। अच्छा, क्या सवाल है आपका? मैंने इंडिया बुल्स खरीदे थे ना, शेयर ये 1350 158 पर। हेलो, 158 पर 1350 शेयर आपने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के खरीदे हैं। और पीएनबी के गए हाउसिंग फाइनेंस के खरीदे थे ये 581 के, टीएनडी कौन सा? पीएनबी हाउसिंग पीएनबी फाइनेंस। हाउसिंग है। ठीक, लेता हूँ सवाल। गौरव पहले बताइए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 139 अभी चल रहा है, 158 पे उन्होंने लिए हैं 1350 शेयर, क्या फायदा होगा इनको? देखिए, होल्ड करना होगा। यहाँ पे ट्रेंड फिलहाल वीक ही था, अभी प्रीवियस जो लो है वहीं से बाउंस बैक करके आया है, तो शायद एक और अच्छे अपसाइड को देखने मिल जाए। इसका जो रिएक्शन होगा अपसाइड का, जब तक इसके अंदर क्लोजिंग जो है 160 की दिक्कतें रहेगी जो इनकी बाइंग प्राइस के आसपास में है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे फिलहाल बने रहिए। स्ट्रक्चर वीक भी नहीं है, खराब भी नहीं है। जैसे मार्केट अगर मूव कर लिया तो ये भी मूव कर लेगा, आउट फॉर्म भले ना करे, तो फिलहाल आप इसे बने रह सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।